मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कमान आतिशी को ही क्यों सौंपी? अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊं। आम आदमी पार्टी की दमदार लेडी आतिशी को सीएम बनाकर केजरीवाल ने क्या सियासी नैरेटिव सेट किया? आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत कहनाइएगा। टीम आपके दिग्गजों को दरकिनार कर केजरीवाल ने आतिशी को ही दिल्ली का सीएम क्यों चुना? अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया। सियासी साधना में भरोसा बड़ी चीज है। अग्नि परीक्षा के हवन कुंड में ईमानदारी की आहुति से पहले टीम केजरीवाल में भरोसे का लिटमस टेस्ट हुआ। 48 घंटे मंथन चला और दिल्ली की कमान टीम केजरीवाल ने सर्वसहमति से आतिशी को सौंप दी। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊं। आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा। ये एक बहुत दुख की घड़ी है। दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। सियासत नफा नुकसान देखकर चलती है, नफा नुकसान देखकर ही मार्गदर्शन करती है। तो क्या केजरीवाल के मार्गदर्शन ने ही सीएम की कुर्सी पर बिठाया? यह बात भरोसे की है। आखिर वो कौन सी वजह हैं जिनके बूते आतिशी ने केजरीवाल का भरोसा और दिल्ली की कुर्सी दोनों जीती? इसकी वजह भी जानिए। आतिशी आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों में इकलौती महिला मंत्री है और पार्टी में महिलाओं की प्रमुख आवाज भी। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय की बागडोर संभाली और जिम्मेदारी अच्छे से निभाई भी। संगठन और नेताओं के बीच आतिशी की अच्छी पकड़ है, संगठन और प्रशासन का अच्छा अनुभव है। आतिशी का आक्रामक अंदाज रहा है, सीएम की गद्दी पर बैठने से पहले इसका ट्रेलर फिर विरोधियों को दिखाया। मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब आतिशी ने ही मोर्चा संभाले रखा। कैसे? थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। तारीख 13 मई, दिल्ली का सीएम हाउस। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में मारपीट के आरोप लगाए। आरोप केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगे। अपनी ही पार्टी की सांसद से मारपीट पर केजरीवाल की सियासत विरोधाभास झेल रही थी। पार्टी की छवि धूमिल ना हो, इसके लिए टीम केजरीवाल की दमदार लेडी आतिशी मोर्चे पर डटी रही। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए। आतिशी तीसरी महिला है जो बतौर सीएम दिल्ली की गद्दी संभालेंगी। इससे पहले 1998 में बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज 2 महीने तक दिल्ली की सीएम रही। शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक लगातार 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रही। अब आतिशी के हाथ में दिल्ली की कमान होगी, लेकिन कितने दिनों तक? भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली को आतिशी को सौंपने के और भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, यहाँ 2,02,24,958 मतदाता हैं, इनमें से 95,12,574 महिला वोटर हैं। हरियाणा में 4% के करीब राजपूत वोटर हैं। आतिशी को सीएम बनाकर आम आदमी पार्टी एक तीर से कई निशाने साधने निकली है। हरियाणा में राजपूत और महिला वोटर्स पर फोकस है और दिल्ली में विरोधियों पर। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर केजरीवाल ने भरोसे की हर कसौटी पर कसने के बाद आतिशी को दिल्ली की कमान सौंप दी। लेकिन दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले ही ये साफ हो चुका है कि केजरीवाल ने आतिशी को सीएम की कुर्सी जरूर सौंप दी, लेकिन सिर्फ चंद महीनों के लिए, जिस पर खुद पार्टी के नेता भी खुलकर बोल रहे हैं।
हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए। आज की मीटिंग में चूंकि अरविंद केजरीवाल जी रिजाइन किए और हमको हेवी हार्ट से एक्सेप्ट करना पड़ा, मुख्यमंत्री चुनना था, तो टेम्पररी मेजर के लिए कुछ महीनों के लिए आतिशी जी को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में सीएम फेस बदलने को लेकर ऐसे ही बयानों के चलते अब आम आदमी पार्टी के विरोधी ताजपोशी से पहले ही आतिशी को प्रॉक्सी और डमी सीएम का नाम देने लगे। खुद ही उन्होंने कहा है कि एक महीने दो महीने कि उसके बाद जब मैं अगर मैं दोबारा चुन गया तो मैं बन जाऊंगा, तो फिर डमी नहीं है क्या है? आपने तो आते ही कह दिया कि ये केवल खड़ाऊ हैं, यही कहा ना आपने कि जब मैं वापस आ जाऊंगा मैं फिर से बन जाऊंगा। तो मैंने ढाई महीने के लिए बनाया जाता है, यही है। आतिशी जी को ढाई महीने में ही लगता है कि महिला की समर्थक हो गई आम आदमी पार्टी, तो फिर 4.5 साल जो दिल्ली को रुलाया वो क्या होता है? विरोधियों का सवाल तो केजरीवाल के कुर्सी छोड़ने वाले फैसले पर भी है, जिनका आरोप है कि चुनाव से चंद महीने पहले करप्शन के मुद्दे पर घिरे केजरीवाल ने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए इस्तीफा दिया है। देश के लिए कोई कुर्बानी देने जा रहे हो क्या? शहीद भगत सिंह की कुर्बानी को इतना हल्का कर दिया है कि एक शख्स जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, एक शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम दफ्तर नहीं जा सकते, भ्रष्टाचार से जेल से निकलते हो और जज की टिप्पणी हो कि वो कोई सरकारी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, आतिशी को बना करके हरियाणा के चुनाव में ये कान रोएंगे कि मैं तो आया हूँ शहीद हो करके। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.